हेलो गाइस, तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा घर। तो गाइस, ये हमारा घर, ये हमारा बेडरूम। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने इसे बहुत प्यारा डेकोरेट किया है। आप भी बताइएगा आपको ये कैसा लगा। ये हमारी वार्डरोब है, हमने ये कबाड़ बनवाया है। और ये हमारा पूरा बेडरूम है गाइस, हमने हर चीज़ यहाँ पर स्काई ब्लू रखी है। और अब हम जा रहे हैं बेडरूम से बाहर। तो ये है हमारा, आप देख रहे हैं गाइस, मुझे स्काई ब्लू कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो मैंने हर चीज़ स्काई ब्लू ही रखी है रूम में। और ये है हमारा बाहर का पोर्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा लॉबी वाला एरिया है। गाइस, ये हमारा जो है किचन एरिया है, ये हमारा किचन। और ये हमारा वॉश बेसिन, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो गाइस, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ये जो है हमारा वॉशरूम और टॉयलेट है। और ऊपर हमने गाइस दो छत्ती भी बनवाई है। और ये हमारा जो है बाहर का एरिया है, यहाँ से आप एंटर करेंगे घर में। तो आप देख रहे हैं, मैंने ये अच्छे अच्छे फ्लावर पॉट्स लगाए हैं। और ये हमारा एक तरीके से डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया भी है। इसको हमने ओपन ही रखा है। इसको हमने ओपन इसलिए रखा है क्योंकि स्पेस जो है ओपन ओपन रहता है तो फिर अच्छा लगता है, इसी वजह से हमने इसे ओपन रखा है गाइस। तो आप देख रहे हैं, ये मैं क्या बताऊँ, बस मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आप लोग खुद ही देख रहे हैं। बस बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको डेकोरेशन कैसी लगी। गाइस, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने हर चीज़ जो है स्काई ब्लू रखी है, क्योंकि स्काई ब्लू जो है मुझे बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने हर चीज़ स्काई ब्लू ही रखी है। बाहर भी बेडरूम में भी मैंने स्काई ब्लू ही किया है, और बाहर भी मैंने स्काई ब्लू ही किया है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए हमारा छोटा सा आशियाना। गाइस, ये जो है बाहर का एरिया है। हमने वॉशिंग मशीन वाला, जो वॉशिंग मशीन थी, वैसे तो वो वॉशरूम में भी आ सकती थी बाथरूम में, लेकिन हमने बाहर रखा है। ये हमारा स्टेयर्स। मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है गाइस, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्लांट्स लगा रखे हैं। और ये रहा हमारा बाहर का एरिया, जस्ट यहाँ से जो मेन गेट है हमारी, उसकी एंट्री होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।